फ्रेंड्स, यू आर वेरी वेलकम टू आवर टेक्निकल रूशर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने एडीसी कंप्लायंस, जैसे कि आप जानते हैं कि अल्टीमेट इसके अंदर आई वॉल पर एडीसी कंप्लायंस का एक सेक्शन आता है, और अगर नहीं जानते तो यहाँ पे वीडियो पे स्क्रीन पर आ रहा होगा, कहीं आप देख सकते हैं इसको कंप्लीट कैसे करें। अब गाइस देखिए, जैसे कि नए नए फ्रेशर लगते हैं वो आई वॉल पे देख के सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये एडीसी कंप्लायंस सबका रह ही जाता है। मेरा भी रहा था और मेरे जितने भी कलीग्स हैं उनका भी रहा था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये एडीसी कंप्लायंस किस तरीके से पूरा का पूरा होगा और किस तरीके से हम अपनी पूरी जो आई वॉल की प्रोफाइल है, जितने भी ये चारों इमोजी होते हैं, उन्हें हम ग्रीन कर सकते हैं। ग्रीन इन द सेंस कि अच्छा सिग्नल होता है कि बेस्ट है हमारी प्रोफाइल के लिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो गाइज, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिकली चार पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड रहता है। अगर ये चारों पॉइंट हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा ये ग्रीन हो जाएगा। अब वो चार पॉइंट कौन से हैं, उसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पे समझते हैं अपने आई वॉल के होम पेज पर। होम पेज पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी चार तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आ रही हैं, कॉम्प्लायंस स्टेटस, कॉम्पिटेंसी प्रोफाइल, एडीसी कॉम्प्लायंस, फोर्स एक्टिविटी। ये तीनों मेरी ग्रीन है और एडीसी कॉम्प्लायंस मेरी अभी रेड है, इन द सेंस कि ये अभी पूरी फुलफिल नहीं है। और गाइस, ये फुलफिल करनी ज़रूरी होती है, नहीं तो हमारी जो प्रोफाइल है वो अफेक्ट होती है। ठीक है, तो इसको कैसे पूरा करें, इसको पूरा करने के लिए बेसिकली चार पॉइंट है जो आपके क्लियर होने चाहिए, तो वो मैं दिखाता हूँ। चलिए व्यू पर क्लिक करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन से पॉइंट है। तो गाइस देखिए, आप यहाँ पर आके नीचे देख सकते हैं, ये हमारी यहाँ पर कुछ डिटेल्स लोड हो चुकी है, जिनके अंदर हमारा एडीसी कंप्लायंस के लिए हमारी ये चार चीज़ें पूरी होनी चाहिए। वो कैसे पूरी होनी चाहिए, पहला तो हमारा रोल टैग होना चाहिए। अगर हमारी जो प्रोफाइल है या हमें जो रोल मिला हुआ है टीसीएस के अंदर, वो हमें टैग होना चाहिए। दूसरी है हमारी जो कुछ कॉम्पिटेंसीज होती हैं, सेल्फ डिक्लेयरिंग होनी चाहिए। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रोल टैग के बारे में। तो रोल टैग क्या होता है कि जब आपको 3-4 महीने हो जाते हैं टीसीएस में आए हुए, तो आपको एक रोल टैग कर दिया जाता है, फुल स्टैक डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर या फिर आपका फ्रंट एंड डेवलपर या पाइथन डेवलपर। तो ये सारे कुछ रोल्स होते हैं, वो सब आपको टैग कर दिए जाते हैं, तो ये आपका ग्रीन हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ है आपकी सेल्फ डिक्लेयरिंग कॉम्पिटेंसीज। ये गाइस वो कोर्सेज होते हैं, फॉर एग्जांपल, जो कि आप खुद से ही डिक्लेयर कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं मुझे इस पर वीडियो बनानी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो आपको ये कॉम्पिटेंसीज सेल्फ डिक्लेयर करनी पड़ती है कि हाँ, मुझे पाइथन आती है और इस प्रोफिशिएंसी पे मुझे आती है, इसके कोर्स करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये दो चीज़ हो गई। अब आते हैं डिजिटल प्रोफाइल। गाइस, डिजिटल प्रोफाइल हमारी प्रोफाइल होती है टीसीएस के अंदर, जिसके अंदर हमें अपनी बेसिकली सारी की सारी डिटेल डालनी पड़ती है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, ये वो। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप डिजिटल प्रोफाइल पर देखिए, यहाँ पर स्विच हो जाएंगे और यहीं पर ही आपका रोल भी दिखा देता है कि आपको रोल मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ, आपकी एम्प्लॉय आईडी, ये सब चीज़ें। तो ये और भी मैं स्क्रॉल नहीं कर रहा क्योंकि कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। आप यहाँ पे इसको स्क्रॉल करके आप बेसिकली देख सकते हैं कि आपको डिजिटल प्रोफाइल में क्या क्या अपडेट करना होता है। ठीक है, अब हमारी ये तीन चीज़ होगी, रोल टैगिंग, सेल्फ डिक्लेयरिंग कॉम्पिटेंसीज, डिजिटल प्रोफाइल। अब फोर्थ वन इज़ एसडीसी एंडोर्स्ड बाय मैनेजर। मतलब ये हमारा हमें मैनेजर देता है, किसके बेस पे, हमारे काम करने के बेस पे, हमारा डिसिप्लिन कैसा है। तो इस चीज़ को देख के ये जो चीज़ है, ये जो रेटिंग होती है, ये हमारा मैनेजर हमें देता है। इसके बाद हमारा जो एडीसी कॉम्प्लायंस है वो पूरा का पूरा ग्रीन हो जाता है और हमारी जो प्रोफाइल है वो अफेक्ट नहीं होती, और हमारी प्रोफाइल एक अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है अगर हमारा एडीसी कॉम्प्लायंस भी कम्प्लीट है। तो गाइस बेसिकली ये चार चीज़ें ये आपको पूरी करनी चाहिए, देन आपकी जो आपकी प्रोफाइल में आई वॉल में जो एडीसी कंप्लायंस है वो ग्रीन शो करेगा। ठीक है गाइस, यहाँ पे डिजिटल प्रोफाइल का भी हो गया, और अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ डिक्लेयरिंग कंपिटेंसीज मेरे को बनाना चाहिए इसके ऊपर वीडियो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। आई होप आपको समझ आया होगा कि ये चार पॉइंट जो मैंने आपको अभी वीडियो में कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्कस किए, इनको कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एडीसी कंप्लायंस को कंप्लीट कर सकते हैं, और ये करना ज़रूरी भी है, इससे हमारी जो प्रोफाइल है वो अफेक्ट नहीं होती। नहीं तो आपके पास 2 या 3 महीने बाद आपके जो ऑफिशियल मेल है आउटलुक पर, उस पर मैसेज आने लग जाते हैं, मेल्स आने लग जाते हैं कि आप अपनी एडीसी कंप्लायंस या डिजिटल प्रोफाइल को कंप्लीट करिए और अपनी प्रोफाइल को अफेक्ट होने से बचाइए, तो ये सारे मैसेज आते हैं। तो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप टीसीएस से जुड़ी हुई जानकारी और भी जानना चाहते हो तो मेरे साथ बने रहिए इसी चैनल पर। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक पड़ा है टेलीग्राम का, तो उसको जरूर देख लेना और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लेना।
और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और जो मनवाए वो भी करना है। शुक्रिया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।